हेलो एवरीवन, वेलकम टू पम्पास रेसिपी। आज बंगाली स्टाइल में टमाटर की एक रेसिपी बनाते हैं। तो इस खट्टी मिट्टी टमाटर की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ एक मसाला है जिसे सौंफ कहते हैं या बंगाली में मौरी बोलते हैं, इसे हम रोस्ट करेंगे ड्राई, और इसे थोड़ा सा हाथ से या आप रोटी बेलनी से भी इसे दबा के इसकी हल्की हल्की मतलब पाउडर से बना लीजिएगा, बहुत पाउडर नहीं, आधा आधा सा रह जाए, इसलिए हम इस चटनी बनने के बाद फ्लेवर के लिए हम इसे डालेंगे। तो पहले इसे मैं रोस्ट कर रही हूँ बस 5-4 मिनट तक, और ये हल्की सी रोस्ट हो गई है तो मैं अब गैस ऑफ करूंगी और इसे निकाल के इसे थोड़ी सी पाउडर जैसे बना लूंगी। तो टमाटर की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए या बंगाली में टोमेटो टॉक जो हम बोलते हैं उसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 5 टमाटर की प्यूरी लिया है, मतलब फ्रेश टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया है। कुछ डेट्स लिए हैं जिसे हम खजूर भी कहते हैं, ये लिए हैं, और जितने टमाटर हैं ये इसकी ऑलमोस्ट हाफ मैंने यहाँ पर शुगर लिए हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा कम और शुगर भी ले सकते हैं, एज पर योर टेस्ट आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैं थोड़ी सी सरसों की तेल पहले तो यहाँ पे डालूंगी, बिल्कुल टेबलस्पून से आधी चम्मच आप समझ सकते हैं, बस इतना ही डालूंगी। और इसमें मैं राई की मतलब कि सरसों की और सूखी मिर्ची की तड़का डालूंगी इसमें। सबसे पहले तेल गर्म हो चुकी है तो मैं थोड़ी सी ये पीली सरसों यहाँ पे डाला तड़का के लिए, और एक सूखी मिर्च इस तरह से ब्रेक करके मैं डाल रही हूँ और इसे ढक दूंगी, नहीं तो ऊपर ये छिटक के आ सकती है, और गैस को एकदम लो में करके ही करूंगी। और ये गरम तड़के अच्छे से लग गए तो इसमें फ्रेश टोमेटो प्यूरी में डाल दूंगी। आप चाहे तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसे ग्राइंड कर लिया था इस तरह से। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी बहुत ही कम समझ लीजिए सॉल्ट डालूंगी यहाँ पे, बहुत हल्की सी, बिकॉज ये चटनी मीठी खट्टी मीठी है तो बहुत ज्यादा नमकीन नहीं लगना चाहिए स्वाद में, तो मैंने बस इतना सा नमक डाल के इसे मैं अच्छी तरह से चला के थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढक दूंगी। इसकी पानी जो है टमाटर की ये सूखने तक इसे मैं ढक के बीच बीच में हिलाते रहूंगी, इसके टमाटर की पानी अपनी जो है वो सूख जाना चाहिए, और ये ऑलमोस्ट हाफ तक आ जाएगा जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा। अब मैं ढक दूंगी, अब मैंने ढक्कन उतार लिया है 5 मिनट के बाद, तो इसकी पानी जो है टमाटर के रिलीज होने चालू हो गए हैं, थोड़ी सी पानी इनफैक्ट सूख भी गया है, तो हाफ जब हो जाए इसी स्टेज में मैं ये जो खजूर है मैं इसे यहाँ पर डालूंगी और फिर मैं इसे ढक दूंगी और अनदर 5-6 मिनट इसे फिर से पकाऊंगी ढक कर, ताकि इसकी जो पानी है वापस सूख जाए पूरी तरह से। और ये देखिए मैंने फिर 5 मिनट हो गया मैं इसे चला रही थी बीच बीच में, और इसकी पानी जो है टमाटर की अपनी ये सूख गए हैं, ऑलमोस्ट जितने हमने टमाटर प्यूरी डाले थे उतने के ऑलमोस्ट देखिए हाफ हो गए इसके पानी जो अपना सूखने के बाद। तो इसी स्टेज में अब हम क्या करेंगे कि जितने सारे देखिए बनने के बाद जितने क्वांटिटी है इतने ही ऑलमोस्ट मैं शुगर डाल रही हूँ, पहले मैंने हाफ ले लिया था शुगर टमाटर के हिसाब से, और सिंस यहाँ पे मैंने खजूर डाला हुआ तो उसकी अपनी भी एक मिठास निकलती है, तो स्वीटन तो है वो आपके हिसाब से ही आप डाले, कुछ लोग कम खाते हैं कुछ ज्यादा खाते हैं। साथ में बता दूं मैं ये कि प्योर वेज फूड है, ये शुद्ध शाकाहारी है, तो आप अगर पूजा करते हैं या कोई व्रत रखते हैं तो आप इसे आराम से खा सकते हैं बिना संकोच के, और ये रोटी पराठा के साथ आप ले सकते हैं, और आप चावल के साथ भी साइड डिश के हिसाब से साथ में लेके खा सकते हैं, जैसे कि आप अचार लेते हो या किसी तरह की चटनी लेते हो इसी तरह से आप इस टमाटर की खट्टी मीठी चटनी को भी आप खा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत यम बनता है। इतने में मैं क्या करूंगी कि जो मैंने टमाटर की प्योरी जिस कटोरी में रखी थी उसमें मैंने 2 टेबलस्पून पानी ले लिया है, और इसी पानी को यहाँ में डाल के बस उतना ही पानी लूंगी, चाहे तो आप 1 टेबलस्पून भी ले सकते हैं, कम पानी डालें, और इसकी कलर जो है अपने आप निकलती है, कोई मसाला का कलर नहीं है, टमाटर की खुद की कलर है, और 2 मिनट में चला के फिर मैं इसे सर्व के लिए निकालूंगी। और ये इतने देर पकने के बाद इसकी जो
कंसिस्टेंसी होगी, ये इतनी ही होगी। देखिए इससे ज्यादा ठीक भी नहीं होना, ज्यादा पतला भी नहीं होना है। तो इस स्टेज में मैं अपनी गैस की फ्लेम को लो करके, ये जो मैंने सॉफ्ट ही क्रश कर लिया था, जो रोस्टेड सॉफ्ट है, तो मैं अब इसे यहाँ पे जस्ट फ्लेवर के डाल दूंगी। इतने में मैं गैस को भी फिर ऑफ करके, क्योंकि अगर आप गैस को चला के इसे डालेंगे तो इसकी फ्लेवर खराब हो सकती है। और मेरी ये खट्टी मीठी टमाटर की चटनी बनके तैयार। अब मैं इसे सर्विंग बाउल में निकाल लूंगी। अब मैं यहाँ निकाल रही हूँ इस तरह से, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बिकॉज जो मैंने ये सौंफ का रोस्ट करके डाला था ना, उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। आप जरूर एक बार इसे बनाने की ट्राई करें। बच्चे को तो आप स्कूल में भी जब टिफिन डालते हो, देते हो, तो रोटी पराठे के साथ ये चटनी बना के आप दे सकते हो, क्योंकि तीखी नहीं होती और खाने में अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड इट्स वेरी हेल्दी, बिकॉज यहाँ पे डेट्स भी है, खजूर जिसे हम बोलते हैं, वो भी है, तो इसकी फूड वैल्यू बहुत अच्छी है। अब हम इस चटनी को थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, इसमें किशमिश के साथ हम इसे डेकोरेट करेंगे, और इस चटनी को थोड़ी सी ठंडा होने के बाद ही सर्व करें। तो इट्स ऑलमोस्ट रेडी, अब मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा करके फिर सर्व करूंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से टमाटर की खट्टी मीठी चटनी या टोमेटो टॉक आपको कैसा लगा, आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और साथ में मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।